व्हाट्सअप गाइज, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइज, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारे चेस्ट की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर। जिन जिन लोगों का चेस्ट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है या जिन जिन लोगों का चेस्ट उनका वीक पार्ट है, तो आज के इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। और आप आज इस वीडियो में ये सीखने वाले हो कि आपको कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइज को आपके वर्कआउट रूटीन में ऐड करना ही करना चाहिए। जिस दिन भी आपका चेस्ट की आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, कुछ बेसिक एक्सरसाइज है, उन बेसिक एक्सरसाइज को हमेशा आपको परफॉर्म करते रहना है। चाहे आप कोई से भी लेवल पे हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या चाहे आप एडवांस लेवल पे हो। तो चेस्ट की ग्रोथ के लिए जो हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है हमारी फ्लैट बेंच प्रेस। जी हाँ, फ्लैट बेंच प्रेस जो होती है वो जो आपके चेस्ट के आपका अपर पार्ट हो गया, आपका लोअर पार्ट हो गया, आपका मिडिल पार्ट हो गया, आपके ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन करने में या ओवरऑल चेस्ट को आपको अच्छे से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी। जब आप आपके चेस्ट को अच्छे से ब्रेक डाउन करोगे और जब आपकी रिकवरी प्रोसेस होगी तो आपका चेस्ट में ओवरऑल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो जो पहली एक्सरसाइज आपकी होने वाली है वो होने वाली है आपकी फ्लैट बेंच प्रेस। तो देखिए फ्लैट बेंच प्रेस को हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। इस तरह से आपको बैक आर्च करके लेटना है। बैक आर्च करने का मतलब होता है कि पैरों को आपको इस तरह से पीछे रखना है और बैक में आपको इस तरह से आर्च बना के रखना है। आपकी कमर गोल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हाथों के बीच का डिस्टेंस आपको रखना है वाइडर देन शोल्डर, शोल्डर से हल्का सा हम बाहर रखेंगे। यहाँ से ग्रिप करके आपको बार को उठाना है और जब बार को आपने ग्रिप करके ऊपर लेके आया हो तो अब आपका जो बार है वो सीधा लोअर चेस्ट पे आएगा और आपकी एल्बोज अंदर की साइड रहेगी इनवर्ड्स। इस तरह से आपकी एल्बो इस तरह से बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर की साइड रहेगी और यहाँ से सीधा आपको फिर ऊपर की साइड आप पुश करोगे, मसल को स्क्वीज करोगे एंड ब्रीद आउट। फिर से स्लो डाउन लेके आओगे एंड पुश करोगे। इस तरह से आपको फ्लैट बेंच प्रेस के 3 से 4 सेट परफॉर्म करने हैं। आपकी जो पहली एक्सरसाइज होनी चाहिए जब भी आप चेस्ट की ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छे से आपने वार्म अप किया उसके बाद में आपकी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो हमेशा होगी आपकी फ्लैट बेंच प्रेस। इसके आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं और रेप रेंज आपको वही रखना है 10 to 15 या 12 to 15। हाइपरट्रॉफी वाले रेप रेंज हम रखेंगे जिससे कि हमारे मसल्स को डेवलप होने में हेल्प मिलेगी। तो ये आपकी हमेशा से पहली एक्सरसाइज होनी चाहिए जिस दिन भी आप आपके चेस्ट मसल को परफॉर्म करते हो, फ्लैट बेंच प्रेस। इसमें क्या होगा, आपका ओवरऑल चेस्ट टारगेट होगा। अब आपके अपर चेस्ट की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपके लोअर चेस्ट की भी हो जाएगी और आपके मिडिल चेस्ट की भी हो जाएगी। तो जब हम ओवरऑल चेस्ट की बात करते हैं तो जिस दिन भी आपका चेस्ट का वर्कआउट हो, सबसे पहले जो आप एक्सरसाइज करोगे वार्म अप करने के बाद में, वो होगी आपकी फ्लैट बेंच प्रेस। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। आपको आपकी दूसरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले ये देखना होगा कि आपने फ्लैट बेंच प्रेस के तो 3 से 4 सेट लगा लिए, उसके बाद में आपका जो चेस्ट में जो वीक पार्ट है वो कौन सा है। अगर आपका वीक पार्ट अपर चेस्ट है तो आपको इंक्लाइन बेंच को परफॉर्म करना है, वो चाहे आप बारबल से करो या फिर डंबल से करो। और अगर आपका वीक पार्ट लोअर चेस्ट है तो आपको डिक्लाइन बेंच से परफॉर्म करना है, चाहे वो आप बारबल से कर रहे हो या डंबल से कर रहे हो। तो मैं जैसा कि आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूँ, हमारा लोअर पार्ट या हमारा जो लोअर पार्ट होने वाला है हमारे चेस्ट का, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हो, मैं आपको बारबल से परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। इसमें भी सेम हमको वही पोजीशन रखनी है, बैक में आर्च रखना है, हाथों के बीच का डिस्टेंस जब हम ग्रिप करेंगे तो वही रखना है वाइडर देन शोल्डर। ये आपने ग्रिप किया, बैक में आर्च किया, अब यहाँ से सीधा आपको लोअर चेस्ट पे बार को लेके आना है। कंट्रोल में पूरा ये लोअर चेस्ट पे बार लेके आए, अब यहाँ से हम हमारे मसल्स को स्क्वीज करेंगे एंड पुश करेंगे ऊपर। जैसे ही पुश करेंगे मुँह से सांस बाहर, ब्रीद आउट करना है एंड स्लो डाउन। इस तरह से आपको लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन बेंच को परफॉर्म करना है। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज हो गई। और जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस हमारे अपर चेस्ट के लिए। तो उसको भी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ उसको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें हम बार लोअर चेस्ट पे लेके आते हैं, लेकिन आप ये वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे कि हमको इंक्लाइन बेंच प्रेस में हमारे बार को जब हम परफॉर्म करते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस तो
कौन सी पोजीशन पे हमको लेके आना है, हमको लोअर चेस्ट पे लाना है, हमको मिडिल चेस्ट पे लाना है या फिर हमको अपर चेस्ट पे लेके आना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका वीक पार्ट अपर चेस्ट है तो अपर चेस्ट के लिए हमको इंक्लाइन बेंच प्रेस को परफॉर्म करना है। तो देखिए इसकी जो पोजीशन रहेगी परफॉर्म करने की, उसको किस तरह से करेंगे, वही सेम बैक में आर्म्स पर आगे रखना है, डिस्टेंस वही रखेंगे, वाइडर देन शोल्डर कि हमने इसको ग्रिप किया। लेकिन हम फ्लैट बेंच प्रेस और डिक्लाइन बेंच प्रेस में जो बार को लेके आ रहे थे वो हम लोअर चेस्ट पे लेके आ रहे थे, लेकिन इसमें एक चेंजेस है, इसमें आपको बार को अपर चेस्ट से थोड़ा नीचे मिडिल चेस्ट पे बार को लेके आना है इस तरह से एंड पुश करना है। इसमें आपका बार लोअर चेस्ट पे नहीं आएगा, अपर चेस्ट पे आपको लेके आना है, अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट के बीच में। नीचे लेके आए स्लो, ऊपर पुश करेंगे, मसल को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीद आउट। इस तरह से आपको आपके अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस को परफॉर्म करना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप कौन से भी लेवल पे चले जाओ, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल पे, आपको वर्कआउट करते हुए 2 से 3 साल भी हो गए हैं तो आपके चेस्ट वाले वर्कआउट रूटीन में दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो आपकी ये तीनों एक्सरसाइज जो है, फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस और डिक्लाइन बेंच प्रेस, इन चीज़ों को या इन एक्सरसाइज को रिप्लेस कर सके। तो ये जो 3 एक्सरसाइज है ये बेस्ट एक्सरसाइज है, आप कौन से भी लेवल पे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप फैंसी एक्सरसाइज को इन एक्सरसाइज से अभी तक रिप्लेस कर रहे थे तो उन फैंसी एक्सरसाइज को आपके वर्कआउट रूटीन से हटा दें और ये जो 3 बेसिक एक्सरसाइज है आपकी, आपकी फ्लैट बेंच प्रेस, आपकी इंक्लाइन बेंच प्रेस और आपकी डिक्लाइन बेंच प्रेस, इनको आपके चेस्ट वाले वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करें। सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा वीडियो हमारे चेस्ट वाले वर्कआउट रूटीन के ऊपर कि अगर हमारे चेस्ट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो वो किस लिए नहीं हो पा रही है और हम किन किन फैंसी एक्सरसाइज को हमारी इन एक्सरसाइज की से रिप्लेस कर रहे थे। तो उन एक्सरसाइज जो आप फैंसी एक्सरसाइज करते हो, इन चीज़ों के अलावा, इन 3 एक्सरसाइज के अलावा, फ्लैट बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस और इंक्लाइन बेंच प्रेस, उनको तो आप करें ही करें अगर आप कर रहे हो तो, लेकिन इन तीनों एक्सरसाइज को आपके वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करें। और जैसे ही आपका वॉर्म कंप्लीट हो, आप चेस्ट मसल की ट्रेनिंग करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन तीनों एक्सरसाइज को आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, देन उसके बाद में आपको जो भी आप दूसरी एक्सरसाइज करते हो चेस्ट के लिए उनको करना है। सो गाइज, ये था हमारा छोटा सा वीडियो हमारे चेस्ट मसल की ग्रोथ के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड कलर का बटन हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके पास में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी ऑन कर लें, जिससे ये होगा कि इन फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। सो गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।